मिनिमम कितना क्वेश्चन मतलब करना चाहिए और कितने पे चांस ले जितना सकते आए, हैं? जितना आपको क्वेश्चंस आ जाए उतना ही क्वेश्चन करिए। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 40 क्वेश्चन करिए कि 30 क्वेश्चन, लेकिन अगर समझा जाए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से तो 30 नंबर, जनरली 30 से 35 नंबर कट ऑफ जाता है जनरल स्टूडेंट्स के लिए। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर, एक बार 37 नंबर गया था, 38 नंबर, वो पेपर के लेवल के ऊपर चला जाता है, 2-3 नंबर। सभी के लिए वो लेवल उसी हिसाब से होगा, लेकिन अगर मैं 30 नंबर के आसपास रखूं तो 30 नंबर के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन आपको 15 चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 नंबर के 15 क्वेश्चन की बजाय सिर्फ 10 नंबर रखू, 10 क्वेश्चन रखू, और 10 क्वेश्चन 2 नंबर के, 10 क्वेश्चन जो है 1 नंबर के, 20 क्वेश्चन से 30 नंबर आ जाएगा। तो पूरे 65 में से अगर 20 भी निकालोगे तो 30 तो हाथ में तय है, और उसके बाद जितना आप और कर पाओगे 20 क्वेश्चन के ऊपर, 2 नंबर के 10 और 1 नंबर के 10, इसके बाद 2 नंबर 1 नंबर के, अगर इससे बेहतर और कर पाओ तो जितना हो जाए उतना करो, लेकिन कम से कम जो है 20-25 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप लगभग लगभग उस रेंज से बाहर निकल सकते। ठीक है,